हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पूनम्स किचन। आज हम दो तरह की सेव की सब्जी बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है, कूटी हुई अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, हरे धनिया और पुदीने की चटनी, सेव और मसाले ले लिए हैं। आप इन मसालों को अपने स्वाद अनुसार यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डाल देंगे और इसमें जीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कूटी हुई अदरक और लहसुन डाल देंगे और हरी चटनी डाल देंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। इसमें अब हम नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। इसे हमें टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाना है। हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी अच्छी तरह बॉईल होने के बाद आप इसमें सेव ऐड कर देंगे। 1 मिनट के बाद आप गैस बंद कर दीजिए। हमने गैस बंद कर दिया है। अब आपकी सब्जी रेडी है, आप इसे सर्व करें। आइए अब दूसरा मेथड देखते हैं। जब आपके घर में टमाटर अवेलेबल नहीं हो तो आप डायरेक्टली इसे पानी में भी बना सकते हैं। पैन में हम ऑयल ले लेंगे और इसमें जीरा ऐड कर देंगे, इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। फ्लेम हमें धीमी ही रखनी है। 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब इस पानी को हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। अब पानी उबल चुका है, अब आप इसमें सेव ऐड कर देंगे। अब एक उबाल आने पे गैस बंद कर दीजिए और हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। देखिए, हमारी ग्रेवी वाली सेव की सब्जी और पानी वाली सेव की सब्जी तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी और पापड़ के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।